प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के ऊपर बने अशोक स्तंभ का सोमवार को अनावरण किया था। ये स्तंभ देश की पहचान है, लेकिन अब इस पर सवाल उठने लगे हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार ने संसद भवन पर लगाए गए राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को बदल दिया है। विपक्ष जहां सरकार से सवाल पूछ रहा है, तो बीजेपी के नेता इसे विपक्षी दलों की राजनीति करार दे रहे हैं। संसद भवन की नई बिल्डिंग सेंट्रल विस्टा पर लगा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह विवादों में आ गया है। विवाद इस बात को लेकर शुरू हुआ है कि सारनाथ के शेरों से ये शेर अलग दिख रहे हैं। अलग इस मामले में कि वहां पर शेर काफी शांत मुद्रा में दिखते हैं, वहीं सेंट्रल विस्टा की छत पर स्थापित किए गए शेरों की मुद्रा आक्रामक है। इसके बाद से ही विपक्षी दल सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। आरजेडी ने ट्वीट किया, मूल कृति के चेहरे पर सौम्यता का भाव तथा अमृत काल में बनी मूल कृति की नकल के चेहरे पर इंसान, पुरखों और देश का सब कुछ निगल जाने की आदमखोर प्रवृत्ति का भाव मौजूद है। हर प्रतीक चिन्ह इंसान की आंतरिक सोच को प्रदर्शित करता है। इंसान प्रतीकों से आमजन को दर्शाता है कि उसकी फितरत क्या है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सारनाथ और सेंट्रल विस्टा पर लगे शेरों की तस्वीर को पोस्ट करते हुए कहा कि सच कहा जाए तो सत्यमेव जयते से सिंहमेव जयते तक हम पहुंच गए हैं। लंबे समय से आत्मा में पड़ा संक्रमण बाहर आया है। आप सांसद संजय सिंह ने ट्वीट किया कि मैं 130 करोड़ भारतवासियों से पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय चिन्ह बदलने वालों को राष्ट्र विरोधी बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। दूसरी ओर कांग्रेस ने पूरे आयोजन पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। मोदी सरकार को घेरते हुए कांग्रेस ने कहा कि नए संसद भवन में लगे राष्ट्रीय प्रतीक के अनावरण के मौके पर विपक्ष को नहीं बुलाया जाना अलोकतांत्रिक है। इस पर सत्यमेव जयते ना लिखा होना भी बड़ी गलती है। इसे अभी भी ठीक किया जा सकता है। डीवी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीवी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीवी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।